हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट डेमो डॉट कॉम। आई एम धीरेंद्र अगेन, और आज हम जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो एक सैंडविच मेकर है, या ग्रिलर भी इसको हम बोल सकते हैं, ग्रिल मेकिंग भी बोल सकते हैं। ब्रेड को अगर आपको टोस्ट करना है, या ब्रेड के सैंडविचेस बनाने हैं, फिल्ड सैंडविचेस बनाने हैं, या नॉर्मल टोस्ट करना है, या बटर लगा के ब्रेड को टोस्ट करना है, वो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट कंपेनियन ये आपके लिए हो सकता है। एक साथ में 4 स्लाइस की ब्रेड जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, उसको टोस्ट बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं। ग्रिल प्लेट वाला ग्रिलर है, जो कि आता है शेफील्ड ब्रांड से। अभी शेफील्ड ब्रांड का हमने ये प्रोडक्ट इसीलिए चूज़ किया है कि अगर हम इनकी क्वालिटी कंपेयर करें और इनकी प्राइसिंग कंपेयर करें, तो मार्केट में जो बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड हैं उनसे प्राइसिंग काफ़ी कम है इनकी, और क्वालिटी एट पार होती है, अच्छी नहीं है, तो एट पार क्वालिटी मेंटेन करते हैं, एक साल की वारंटी भी देते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है। तो इसीलिए हमने शेफील्ड का ये सैंडविच मेकर हमने चूज़ किया है। अभी देखते हैं, वाइट कलर तो आपको दिख ही रहा है कि पूरी तरह से ये वाइट कलर है, और अंदर जो इसका प्लेट है वो नॉनस्टिक प्लेट दिया है, नीचे और ऊपर दोनों तरफ नॉनस्टिक बॉटम और नॉनस्टिक टॉप, ये दोनों दिया हुआ है, और ग्रिल प्लेट दी हुई है जिसमें आपको ग्रूव्स दिख रहे होंगे, लाइनें दिख रही होंगी, तो ये ग्रिल्स दिए हुए हैं जिससे कि आपकी ब्रेड जो है वो अच्छी तरीके से टोस्ट हो जाती है, और जो भी सैंडविच आप बनाना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से ग्रिल हो जाता है। अब इसमें ऊपर देखें हम तो दो इंडिकेटर्स हैं, एक आपको रेड लाइट इंडिकेटर दिख रहा है और एक दिख रहा है ग्रीन वाला इंडिकेटर। तो जैसे ही आप इसको पावर ऑन करेंगे तो रेड वाला इंडिकेटर जल जाएगा, और जब ये रेडी हो जाएगा टोस्ट करने के लिए, सैंडविच बनाने के लिए, तो ग्रीन वाला जल जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं इसको पावर ऑन कर देता हूँ तो हमारा जो रेड इंडिकेटर है वो स्टार्ट हो गया, और जैसे ही ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए, ग्रीन इंडिकेटर स्टार्ट हो जाएगा और रेड वाला बंद हो जाएगा। सो लेट्स सी कि ये कितना टाइम लेगा। चंद सेकेंड में तैयार हो जाता है। तकरीबन इसमें 600 वॉट का कॉइल लगा है अंदर, जो कि नीचे और ऊपर दोनों प्लेट्स को अच्छी तरीके से गर्म करता है और ग्रिल करने में मदद करता है। नॉनस्टिक प्लेट होने की वजह से हम जो भी ब्रेड इसमें यूज़ कर रहे हैं, ग्रिल कर रहे हैं, टोस्ट कर रहे हैं, वो अच्छी तरीके से होती है ग्रिल, और चिपकती भी नहीं है। अभी देखिए ग्रीन लाइट जल गई है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करने के लिए, वो टोस्ट बनाने के लिए तैयार हो गया। तो सिंपल हमको ये लीवर को ऊपर करके इस तरीके से ओपन कर देना है प्रोडक्ट को। जो प्लेट है वो दोनों हीट अप हो चुकी है, देख सकते हैं हम काफ़ी हीट आ रही है इसमें। सो हमने ब्रेड स्लाइस लिए इस तरीके से। अगर हमको सैंडविच बनाना है तो सैंडविच के लिए हमने एक ब्रेड स्लाइस लिया, उसमें हमें जो भी वेजिटेबल्स यूज़ करने हैं हमने वो वेजिटेबल्स रखे। आप अनियन पसंद करते हैं तो अनियन आपने रखे, इसके अलावा आपको और कुछ रखना है तो वो रख सकते हैं। सॉल्ट पेपर जो आपको लेना है, ऊपर से लेना है तो ऊपर से, अगर इसमें डालना है तो इसमें डाल सकते हैं। और इस तरीके से मैंने दो ब्रेड के स्लाइस एक साइड में रख दिया, अभी भी काफ़ी स्पेस है, यहाँ दो स्लाइस हम और भी रख सकते हैं। हमने कोई ऑयल यूज़ नहीं किया है, हमने कोई भी लुब्रिकेंट नहीं लगाया है ग्रिल प्लेट में, तो नॉनस्टिक होने की वजह से वो चिपकेगा बिल्कुल नहीं। अब मुझे सिर्फ ये करना है कि इसको इस तरीके से कवर करके, और ये जो लीवर दिया है इससे इसको लॉक कर देना है। अब ये लीवर लॉक करने के बाद ये गर्म होना शुरू हो गया है, और जो ब्रेड है अंदर उसको टोस्ट बनाने शुरू हो गया है। अब ये मुश्किल से 30 से 40 सेकंड या एक मिनट से कम का टाइम लेगा, और अच्छी तरीके से जो भी हमने अंदर रखा है उसको टोस्ट में कन्वर्ट कर देगा। सो ग्रिलिंग जो होगी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म ग्रिलिंग होती है, इससे नीचे भी, ब्रेड के बॉटम में भी, और ब्रेड के टॉप में भी, तो अच्छी तरीके से यूनिफॉर्म कुक्ड हमको सैंडविच और ग्रिल मिलता है इससे। तो अभी हमको फ्रेंड्स 15 से 20 सेकंड हो गए हैं इसमें, जो भी हमारा सैंडविच हमने रखा था वो ग्रिल होने के लिए, और हीट अप हो रहा है अच्छे से, आप देखेंगे अगर, तो दोनों इंडिकेटर ऑन हो गए वापस से इसके, रेड वाला भी, ग्रीन वाला भी। इसका मतलब जो हीटिंग है वो हो रही है, हमारा जो अंदर ब्रेड है, जो सैंडविच है, वो अच्छे से ग्रिलिंग हो रही है। जैसे ही वो पूरी तरह से ग्रिल हो जाएगा, ग्रीन वाला लाइट फिर से बंद हो जाएगा, इसका इंडिकेटर होगा कि हमारा जो सैंडविच है वो अच्छी तरीके से ग्रिल हो चुका है। तो अगर आप देख रहे हैं तो लाइट दोनों ऑन है। जब हमने इसमें डाला था सैंडविच तब एक लाइट बंद हो चुका था, ग्रीन वाला, लेकिन जैसे ही हमने सैंडविच डाला तो वो लाइट फिर से चालू हो गया। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट जो है प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, और जो नॉनस्टिक प्लेट्स हैं वो अच्छी तरीके से गर्म हो रही हैं और हमारे सैंडविच को ग्रिल कर रही हैं। सो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिल्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की है इन लोगों ने, और बेस्ट पार्ट ये है कि एक साल का वारंटी भी हमको मिल रहा है। सो वी आर रेस्ट श्योर कि हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो बहुत बढ़िया मिल रहा है। शायद हमारा जो टोस्ट है, जो सैंडविच ग्रिल है, वो हो गया है। देखते हैं हम इसको निकाल के, काफ़ी हद तक हो गया है, काफ़ी यूनिफॉर्म ग्रिलिंग इसमें आ गई है। अगर अब हमको चाहिए कि इसको और हमें ग्रिल करना है, और अच्छी तरीके से इसको ब्राउनिंग करनी है, तो हम वो भी कर सकते हैं। और अगर हमको चाहिए कि हमको एज इट इज़ इसको यूज़ करना है, रॉ थोड़ा सा रखना है, तो हम ऐसा वो भी रख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको चाहिए कि इसके ऊपर आपको बटर लगाना है, तो आप बटर लगा के भी इसको ग्रिल कर सकते हैं। बहुत लोगों को बटर पसंद है, चीज़ पसंद है, तो वो डाल के भी आप इसको ग्रिल कर सकते हैं अच्छे से, तो भी ये चिपकेगा बिल्कुल नहीं। सो हम इसको चंद सेकंड के लिए और रख देते हैं, 10 से 20 सेकंड और हम इसको गर्म होने देते हैं, ताकि टोस्ट हमारा जो है वो अच्छी तरीके से ग्रिल हो जाए। सो फ्रेंड, आई होप कि हमने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट्स हैं वो हमने कवर किए, और
अगर ब्रेकफास्ट में कुछ वैल्यू एडिशन होगा एवरी डे मॉर्निंग में, अगर आपके किचन में कुछ वैल्यू एडिशन हो पाए, यही हमारी एफर्ट रहती है। और इस प्रोडक्ट से भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको पसंद आया ये हमारा प्रोडक्ट का रिव्यू, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और जो भी आपका रिस्पॉन्स है आप वहाँ पर छोड़िए, ताकि हम अपने जो आगे आने वाले प्रोडक्ट रिव्यू हैं, जो आगे आने वाले प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, उसको और इम्प्रूव कर पाएँ, उसमें और इन्फॉर्मेशन ऐड कर पाएँ, जिससे कि आपका जो डेली रूटीन है, आपकी जो लाइफ है, उसमें थोड़ा सा और अपलिफ्टमेंट, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आ पाए। इस प्रोडक्ट रिव्यू में इतना ही। आई होप कि आपने ये प्रोडक्ट रिव्यू पसंद किया हो। आगे फिर इसी तरह के प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।